अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं स्मार्ट शेक फाइव। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कलर इफेक्ट्स प्रो कैसे फ्री डाउनलोड करें। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे कलर इफेक्ट्स प्रो बैकग्राउंड चेंज करते हुए यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी इमेज को 3D में तब्दील कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और सबसे पहले ये देखें, मैंने यहाँ पर कोई बैकग्राउंड खोल लेता हूँ। सबसे पहले न्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये मैं अपने हिसाब से इसका साइज़ रख लेता हूँ। आप भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन लेंथ और विड्थ का आपने हिसाब रखना है। उसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं हमने ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जनरेट कर दिया है। इसके बाद मैं तो उस पर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबा के इसको मैंने कलर में तब्दील कर दिया है। इसके बाद हम कोई बैकग्राउंड जो आपने गूगल से डाउनलोड किया हो, क्योंकि उसके फॉर्मेट अच्छा नहीं होता है, इस वजह से मैंने ये बनाया है। अब मैं उस बैकग्राउंड को ढूंढ कर इसमें लगाता हूँ। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड किधर गया। ये है मेरा बैकग्राउंड जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया। आप भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं हॉरर बैकग्राउंड लिख कर। ये बैकग्राउंड आप देख सकते हैं आ चुका है। अब इसको मैं उठाकर अपनी वीडियो में डालूंगा, क्योंकि ये लॉक है लेयर, लिहाजा मैं इस कंट्रोल जे की मदद से कॉपी करके अब इसको उठाकर अपनी बैकग्राउंड में ट्रांसफ़र कर सकूंगा। ये ट्रांसफ़र हो चुकी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। इस ट्यूटोरियल को देखने का आपको तब तक फ़ायदा नहीं होगा तब तक आपको बेसिक फोटोशॉप के टूल्स का ना पता हो। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको उसके बारे में भी एक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कोर्स के साथ आ जाऊँगा, जो कि 2 से 3 वीडियोस पर मुश्तमिल होगा और शॉर्ट में होगा, ताकि आपको सही समझ आ जाए। अब इसके बाद मैं ये क्रॉप कर लेता हूँ ताकि मेरी इमेज सही तरीके से एडजस्ट हो जाए। ये देख सकते हैं आप, ये एडजस्ट हो गई है। अब इसको मैंने क्रॉप कर लिया है। अब मैंने एक तस्वीर अपनी पहले से ही काट कर रखी हुई है। अब मैं उस तस्वीर को अपनी इस बैकग्राउंड में लाने के लिए सबसे कंट्रोल प्लस ओ की मदद से अपनी तस्वीर ढूंढता हूँ। ये तस्वीर मुझे मिल गई मेरी, और अब इसमें मैं डालता हूँ। ये तस्वीर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। इसका मैंने बैकग्राउंड पहले ही काट लग के रखा हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। और अब मैं इसमें ये डाल देता हूँ, क्योंकि इसका फॉर्मेट बहुत बड़ा है, ये DSLR की है, लिहाजा मैं इसको जूम आउट करके इसको कंट्रोल टी की मदद से एडजस्ट करूँगा। आपने भी ऐसे ही एडजस्ट करना है, क्योंकि DSLR का फॉर्मेट बहुत बड़ा होता है। तो अब मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से एडजस्ट हो रही है। अब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ मैं, और ये कुछ इस तरह से हो रहा है। इसमें डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की तस्वीर जो बैकग्राउंड चेंज करना है वो उसका फॉर्मेट कैसा है, उसके हिसाब से ये आपको बताएगा कि आपका वो कैसे होगा। मेरा फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिस वजह से मुझे ऐसे करना पड़ा। लेकिन उम्मीद है कि आपका DSLR थोड़ा लो भी हो तो वो भी चल जाएगा, लेकिन ऐसी ही इमेज की क्वालिटी हो, इसका बेनिफिट मुझे ये मिलेगा। इसका बेनिफिट मुझे ये मिल जाएगा कि मेरी इमेज की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। मैं ये टैटू बीच में सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं इस टैटू का बैकग्राउंड वाइट है। तो मैंने मैजिक वांड टू की मदद से इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा। सबसे पहले मैं कंट्रोल जे की मदद से इसकी लेयर बना लेता हूँ। उसके बाद मैजिक वांड टू सेलेक्ट करके वाइट कलर में डिलीट का बटन दबाऊंगा। आपको भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो निचली लेयर भी एक्टिव है। निचली लेयर को मैं ऑफ करूँगा। उसके बाद ये मैं दे आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड इसका रिमूव हो चुका है। अब मैं इसे उठाकर अपनी इमेज में डाल दूंगा। आप ये देख सकते हैं मैंने इस तरह से अपनी इमेज में इसे डाल दिया, और इसे मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगा। ये बाजू पे लगाना है टैटू, लिहाजा मैं इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये मैं टैटू एडजस्ट कर रहा हूँ। अगर आपने टैटू डाउनलोड करना है तो आप गूगल इमेज पर जाएँ और वहाँ पर लिखें टैटूज, और तो वहाँ से आपको टैटू मिल जाएगा। तो इसी तरह जैसे मैंने इसकी वाइट लेयर को चेंज किया है, आपने वैसे ही टैटू की वाइट लेयर को मैजिक वॉन्ड टूल की मदद से रिमूव करना है और एडजस्ट कर लेना है अपनी इमेज में डालकर। अब आप ये देख सकते हैं मैं अपना टैटू अपने बाजू पर एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ इस पर कि ये रियल लगे, तो लिहाजा मैं इसकी ओपेसिटी और कैपेसिटी को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं इसकी कैपेसिटी को चेंज कर देता हूँ, ये 100 पर है, मैं इसे 80 पर ले आता हूँ ताकि ये ओरिजिनल लगे। आप देख सकते हैं अब ये हाथ में मेरे ओरिजिनल ओरिजिनल लग रहा है, लिहाजा ये यहाँ पर ठीक है। अब मैं इसको कलर इफेक्ट्स प्रो के एडजस्ट करने के लिए रेडी हो चुका है। अब मैं फिल्टर्स खोलूँगा, और फिल्टर्स खोलने के बाद
इधर फिल्टर्स और ये निक कलेक्शन, निक कलेक्शन में कलर इफेक्ट्स प्रो मेरा डिफॉल्ट ही डार्क में हुआ हुआ है, लिहाजा मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके बाद ये डार्क में हो गया और मैं ओके पे कर देता हूँ और ये मेरी इमेज इस तरह से यहाँ पर रेडी हो गई है, ये देख सकते हैं आप, ये डार्क में हो गई है। इसके बाद मैं कुछ इसको मूव करता हूँ, लेकिन मूव करने से इसकी लेयर को मैं इसके अंदर ही जम कर देता हूँ कंट्रोल ई की मदद से। ये आप देख सकते हैं लेयर जम हो गई है आपस में इसके। अब मैं इसे उठा कर थोड़ा साइड पे कर देता हूँ और थोड़ी सी क्रॉपिंग की मदद से मैं इसको ठीक कर बैकग्राउंड को एडजस्ट कर दूंगा ताकि रियल लगे। और अब ये तस्वीर एडजस्ट हो चुकी है, लिहाजा अब मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप के बाद हम थोड़ा सा इसे एडजस्ट भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्रॉप करते हैं। ये देखिए एडजस्ट हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा अपने अपनी फ़ोटो को थोड़ा बीच में ले आऊँगा ताकि वो एडजस्ट सही हो जाए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा बीच में लेके आता हूँ ताकि ओरिजिनल से, ओरिजिनल तो ज़ाहिर बात है लगेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि फ़ोटोशॉप से काम हुआ है। अब मैं इस तस्वीर को सेव कर लेता हूँ, क्योंकि सेव किए बगैर ये तस्वीर की वैल्यू कोई नहीं, क्योंकि ऐसे तो ये सेव नहीं हो पाएगी। लिहाजा आप सबने भी इसे सेव कर लेना है। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, लेकिन डेस्कटॉप पे इस नाम की फ़ाइल पहले की मौजूद है, लिहाजा अब मैं इसके नाम को थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। मैं 1 2 इसके नाम पर लिख देता हूँ और मैं ये तस्वीर सेव कर देता हूँ। और ये तस्वीर ये ओके कर दिया मैंने और ये तस्वीर सेव हो रही है, बल्कि सेव हो गई है। अब अगर आप नए हैं तो यार ये प्लीज़ मेरा नया चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि वैसी वीडियोस बहुत सी लाने लगा हूँ। इसके अलावा से कमेंट में भी सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आपके सवाल वह छोटे हुए तो मैं आपके कमेंट के अंदर ही जवाब दे दूंगा। अदरवाइज़ मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियोस भी बना कर अपलोड कर दूंगा जो आप देख सकते हैं। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।